नवी मुंबई के जेन टाइप इमारतों के पुनर्निर्माण के मसले को सुलझाने में स्थानिक राजनेता और महाराष्ट्र की सरकार से कोई उपाय न मिलने के बाद अच्छे घर के सपने के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी गंवा चुकी 66 वर्षीय नीता गावड़े को अब आखिरी सहारा मिला है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने जेन टाइप इमारतों में अपने और अपने जैसे कई परिवारों की जर्जर इमारतों में रहकर हो रहे बुरे हाल की व्यथा को पत्र के जरिए खुद प्रधानमंत्री को अवगत क्या कराया कि इसी पत्र का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से सकारात्मक रूप से उन्हें मिला है, जिसने अब उनके जिंदगी में नए घर में ले जाने की उम्मीद की नई किरण पल्लवित कर दी है। हम यहाँ जब आए हैं 1799 में आए, उसके बाद तक अभी तक कोई किसी ने पूछा नहीं, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं पंतप्रधान को डायरेक्ट अपने लेटर लिखूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर को, और वो सबकी सुनते हैं, आपको पता है उनके जैसा आदमी अभी तक मैंने नहीं देखा, एक मिनिस्टर होना कैसा होना चाहिए वो उनका उदाहरण है। इसके पीछे की उनकी प्रेरणा कोई और नहीं तो बल्कि कलंबोली स्थित न्यू मुंबई इंग्लिश स्कूल में नवी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा साक्षी तिवारी है, जिसने अपने स्कूल में मैदान ना होने का खेद जताकर इस मैदान की मांग सीधे खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। मैंने एक अपने देश के लिए एक भावना प्रधान पंतप्रधान मिला है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मिला, ऐसे मतलब गरीबों के सुनने वाला। तो आज मुझे भी बहुत लोगों ने, मैं पेपर ज़्यादा पढ़ती हूँ, मतलब तीन तीन चार चार पेपर्स लेके आती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी उनको खत लिखते हैं। तो बैठे बैठे एक दिन मुझे लगा कि आज हम लोग 17 साल यहाँ सड़ रहे, तो क्यों ना मैं इनके कान पर भी डालूँ कि आज हम लोग 17 साल से हमारे ये इसमें रह रहे, तो आप थोड़ा हमें मदद कीजिए कि हम अपने घर में जाए। अपने पति के एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद नीता गावड़े ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर वाशी स्थित सिडको निर्मित जेन टाइप इमारत में सन 1986 में घर खरीदा, मगर इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किए गए घटिया सामान के चलते महज 13 सालों में ही इमारत जर्जर सी हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने श्रद्धा अपार्टमेंट में रहने वाले गावड़े परिवार सहित करीब 112 परिवारों को जूई नगर स्थित ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट कर दिया। आज इस ट्रांजिट कैंप में रहकर इन परिवारों को 17 साल बीत गए, मगर बावजूद पुनर्निर्माण के तहत नए घरों का सपना केवल उनके लिए सपना ही रह गया। परिणामवश इसी सपने का इंतजार करते करते बदहाल घरों में रहने वाले सैकड़ों बुजुर्ग स्वर्ग सिधार गए। ऐसे में अब नीता गावड़े जैसी कई रहवासियों का बस अब यही कहना है कि जिस तरह से किसी अपराधी को फांसी देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसी प्रकार अब अंतकाल से पहले नए टॉवर में जाना ही उनकी अंतिम इच्छा है। वहीं इन जर्जर इमारतों के पुनर्निर्माण के प्रश्न को प्रशासन से लेकर कानूनी स्तर तक लड़ाई लड़ने वाले शिवसेना के स्थानिक नगर सेवक किशोर पाटकर ने भी नीता गावड़े की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस कारण प्रशासन और सिडको में अब हलचल सी मच गई है। आगे उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि कई दस्तावेज जमा करने के बाद अब कहीं जाके सिडको एनओसी देने को राजी हुई है। इधर के लोग, इधर की सारी जनता, हम लोग सब जगह पत्रव्यवहार करके, सबको फॉलो अप करके जितनी परेशानी उठा सकते थे हम लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं। और नीता गावड़े जी ने जो पंतप्रधान को लेटर लिखा और उसके बाद उनको जो इतनी जल्दी वहाँ से रिस्पांस मिला, उसकी वजह से थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और सिडको में थोड़ी हलचल मच गई है, हम लोगों को फील हो रहा है। क्योंकि हम लोग ने सारे पेपर इतने साल में जमा करने के बाद हम लोग के पास सिर्फ सिडको एनओसी ही नहीं थी, और जो नए कमिश्नर है वो बोल रहे 100% कंसेंट। ये दो ही इशू थे हमारे, जिसमें का एक इशू सिडको भी एनओसी देने को तो तैयार हो गई है, अब बचा है वही 100% वाला इशू। अगर वो सॉल्व हो जाए तो इधर के लोगों को अपना नया घर मिलके ये लोग अपने नए घर में जा सकते हैं। वहीं पुनर्निर्माण के इस मामलों के लीगल एडवाइजर अभिनय सिंह ने जहां सिडको द्वारा मिलने वाली एनओसी को लेकर खुशी जाहिर की है, वहीं इस पुनर्निर्माण के लिए 100% कंसेंट की बात पर अटल दिख रही मनपा प्रशासन के रवैये से खफा नजर आए। एक बार ये जो बिल्डिंग्स है, रीडेवलपमेंट उन्हीं बिल्डिंग का हो सकता है जो कि डायलैपिलेटेड या डेंजरस बिल्डिंग है। तो अब हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट करा के भी दिया कमिश्नर साहब को, और वहाँ जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी थी उसने उसको अप्रूव किया और इस बात को एक्सेप्ट किया
कि ये बिल्डिंग्स आर एलिजिबल फॉर रीडेवलपमेंट. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इमीडिएटली आफ्टर दैट कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग ली विष्णुदास भावे में, पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया कि आउट ऑफ द ब्लू कि 100% कंसेंट जरूरी है रीडेवलपमेंट के लिए. वो बहुत शॉकिंग था हम सबके लिए, बिकॉज हम लोग बहुत होपफुल थे कि अब रीडेवलपमेंट हो जाएगा और लोगों की जो इतने दिन उन्होंने परेशानी उठाई है अब फाइनली ख़त्म हो जाएगी. बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज 100% अभी आप इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क.